हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सीटेट के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कि हम सीटेट के एग्ज़ाम से पहले अपना कंप्लीट सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीरीज में आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें है आज हमारा भाषा शिक्षण शास्त्र, यानी जो हमारी सब्जेक्ट की पैडागॉजी होती है इंग्लिश और हिंदी की, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं अपना सीखना और अधिग्रहण, लर्निंग और एक्विजिशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपके लर्निंग की। सीखना आज हम कंप्लीट कर लेंगे और कल हम इसको एक्विजिशन यानी अधिग्रहण को पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले होता है सीखना। सीखना क्या होता है, उसके बाद सीखना और सीखने के सिद्धांत जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सिद्धांत और प्रिंसिपल्स को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सीखना क्या होता है, सबसे पहले जो सीखना होता है वो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है किसी वजह से, उसको हम सीखना कहते हैं। लेकिन केवल हमेशा जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसी को ही हम सीखना ना कहते हुए उन परिवर्तनों को सीखना कहेंगे जो किसी अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। जब हम कोई अभ्यास करते हैं या किसी अनुभव की वजह से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम सीख एज अ सीखना काउंट करते हैं। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं वो आते हैं नियम, सीखने के सिद्धांत या नियम। तो सबसे पहला नियम है, सबसे जो नियम है, अब थॉर्नडाइक ने कुछ सीखने के नियम दिए थे, अब उन नियमों को वन बाय वन कंप्लीट कर लेते। उनमें से ये है कुछ मुख्य नियम, जो इम्पोर्टेंट नियम है, कुछ है सेकेंडरी गौण नियम। ठीक है, तो सभी जीव जंतु प्राकृतिक नियमानुसार जीवन व्यतीत करते हैं, इसी तरह सीखने के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला मुख्य नियम होता है तत्परता का नियम, रेडीनेस का नियम बोलते हैं इसको। तो तत्परता क्या होती है, तत्परता के नियम के अनुसार कोई भी बच्चा किसी कार्य को करने के लिए जितना तत्पर होगा, जितना उत्सुक होगा, वो उस कार्य को उतनी जल्दी सीखेगा। ठीक है, फर्स्ट नियम क्या हो गया, तत्परता। नाम से ही ये नियम अपना एक्सप्लेन कर लेता है खुद को, कि जितना भी कोई बच्चा किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होगा उतनी जल्दी वो उस कार्य को सीख जाएगा। ये उसका पहला सीखने का नियम हो गया। दूसरा होता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम भी नाम से अपना स्पष्ट कर रहा है खुद को, कि बार बार अभ्यास करने से कोई भी कार्य उतनी जल्दी सीखा जाता है, यानी इसमें जो मेन पॉइंट है वो है अभ्यास, इसमें है तत्परता। तीसरा है संतोष का नियम, सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं संतोष को। हमको संतोष का नियम क्या है, इसमें ये होता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें संतोष प्रदान करता है। तो जो कार्य का परिणाम हमको संतोष प्रदान कर रहा है, उससे बच्चा या हम कोई भी बालक उतनी जल्दी उस कार्य को सीखने की प्रवृत्ति रखता है। उसके बाद है सेकेंडरी नियम, गौण नियम। तो गौण नियम में सबसे पहला आता है अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति का नियम के अनुसार जो होता है कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अभिवृत्ति से तात्पर्य है कि हम उसके उस कार्य को करने के प्रति कैसा अपना रुझान दिखा रहे हैं। यदि हमारी मनोवृत्ति का कार्य को सीखने की है तो हम उसको जल्दी से सीखेंगे, अगर हम चाहते हैं उसको सीखना तो हम उसे और जल्दी सीखेंगे। उसके बाद आता है दूसरा गौण नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है, इसमें ये भी अपने नाम से हो रहा, बहु मतलब बहुत सारी, प्रतिक्रियाएं मतलब क्रियाएं। जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं या करना चाह रहे होते हैं तो उसको सीखने के लिए, उसको करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स अपनाते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, और कुछ में हम सफल होते हैं, कुछ में हम असफल होते हैं। तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इस कार्य को करने के लिए कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा इजी है, जिससे हम इस कार्य को आसानी से कर लेंगे। तो इसमें यह हो जाता है सेकंड नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसमें भी यही है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं अपनाएंगे, उसमें से हमको खुद पता चल जाएगा कि हम किसके माध्यम से इसको आसानी से कर लेंगे। अब तीसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया की बात की जाए तो इसको हम एक एग्जांपल से, या फिर मैं इसको डेफिनेशन ऐसे ही बताती हूँ, कि जब भी कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो विषय सामग्री होता है या कोई चैप्टर होता है, उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़कर, छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़कर उनको उसको बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा कि बच्चे उसे ईजिली सीख लेते हैं। तो ये हो जाएगा उसका आंशिक क्रिया का नियम। अब फोर्थ वन इज आत्मीकरण का नियम। तो आत्मीकरण का जो नियम होता है, आत्मीकरण के मतलब से ये होता है कि जैसे भी हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई भी बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है तो वो इसको एसिमिलेट कर लेता, आत्मसात कर लेता और उसको अपने
पूर्व ज्ञान से जोड़कर एक नई सीरीज इस तरीके से बनाते रहता है और इसी तरीके से वो अपने कार्य को सीखता रहता है। पहले जो नया प्राप्त हुआ उसको फिर उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा, इस तरीके से वो एसिमिलेट करता रहेगा। उसके बाद होता है परिवर्तन का नियम। परिवर्तन के नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे हमने इस नियम के अनुसार जो होता है, हमने कोई पहले क्रिया की है ठीक, उसके उसी प्रकार की कोई दूसरी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो गई तो वह पहले वाली क्रिया भी उस दूसरी परिस्थिति में भी उसी तरह से कार्य करेगी। जो वो क्रिया होती है उसका जो स्वरूप होता है वो मूलतः वही होता है। तो यही हमारा परिवर्तन का नियम। आज हमने अब सीखने के नियम तो पूरे कर लिए हैं, अब हम कल की क्लास में करेंगे सीखने के सिद्धांत अपने कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, डेली 10 बजे हमारी क्लासेस, फ्री क्लासेस उपलब्ध होती है और हम कोशिश करेंगे कि अपना सीटेट का कंप्लीट सिलेबस तब तक पूरा हो जाए।